नमस्कार साथियों, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है संधि, और हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो संधि के बारे में पढ़ते हैं। संधि का मतलब होता है वर्णों के बीच में विकार यानी परिवर्तन, यानी दो वर्ण जुड़कर एक नया वर्ण बनाते हैं तो उसी को कहा जाता है संधि। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का मतलब है कि दो स्वर के बीच में विकार उत्पन्न हो तो उसे स्वर संधि कहा जाएगा। व्यंजन संधि का मतलब है कि दो व्यंजन के बीच में अगर विकार उत्पन्न होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग का मतलब होता है इस तरीके का साइन, विसर्ग कहलाता है। तो विसर्ग और व्यंजन के बीच में जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं विसर्ग संधि। तो पहला है स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहा जाता है। यानी स्वर संधि किसे कहते हैं कि दो स्वरों के मेल से, स्वर हम जानते हैं 11 होते हैं, छोटा बड़ा से लेकर अंगा तक, तो उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि जो होता है वो पांच भेद हैं, यानी स्वर संधि पांच प्रकार की होती है। पहला है दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। ये पांच जो है वो स्वर संधि के भेद हैं। तो हम पहला भेद पढ़ेंगे। पहला भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा में क्या कहा गया है, हर्स्व या दीर्घ। हर्स्व मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा, यानी छोटा और बड़ा आ ई उ के बाद, यानी छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ के बाद क्रमशः हर्स्व या दीर्घ आ ई उ, यानी हर्स्व या दीर्घ का मतलब छोटा आ बड़ा छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ, स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ यानी बड़ा बड़ी ई और बड़ा उ हो जाते हैं। ठीक है, तो यह स्वर दीर्घ संधि की परिभाषा है। इसको अगर हम सिंपली वे में पढ़ें तो क्या है कि छोटा बड़ा प्लस छोटा बड़ा है। क्रमशः का मतलब है कि आ के साथ आ आना चाहिए और ई के साथ ई आना चाहिए और ऊ के साथ ऊ आना चाहिए। और हर्स्व दीर्घ का मतलब है कि छोटा बड़ा हो ये के बाद भी छोटा बड़ा आना चाहिए तो बड़ा आ हो जाएगा। छोटी या बड़ी के बाद अगर छोटी बड़ी आ जाए तो बड़ी हो जाएगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो बड़ा ऊ हो जाएगा। अब ये चार कंडीशन बनती हैं। इसमें क्या है, चार कंडीशन है, यानी छोटा आ के साथ छोटा आएगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। छोटा आ के साथ बड़ा आ आएगा तो भी बड़ा आ हो जाएगा। उसके बाद बड़ा आ के साथ छोटा आएगा तब भी बड़ा आ हो जाएगा, और बड़ा आ के साथ अगर बड़ा आ आएगा तो बड़ा आ हो जाएगा। तो ये चार कंडीशन इससे बनती है। इसी तरीके से छोटी बड़ी के इसके कॉम्बिनेशन से चार कंडीशन बनेंगी और इसके कॉम्बिनेशन से चार कंडीशन, तो टोटल मिला के चार 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 यानी 12 कंडीशन बनेंगी। तो 12 कंडीशन के हम उदाहरण देख लेते हैं तो दीर्घ संधि आसानी से समझ सकते हैं। तो इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला यही ले लेते हैं कि छोटा छोटा मिलकर बड़ा हो जाता है, तो इसका एक उदाहरण लेते हैं तो क्या हो जाएगा। जैसे इसमें कहा है धर्मार्थ, क्या कहा है, धर्मार्थ। तो धर्मार्थ को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा धर्म प्लस अर्थ, ये हो जाएगा धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ। तो देखिए यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब ये छोटा आ है, और यहाँ पे छोटा लगा हुआ है पहले से तो क्या बना, यहाँ पे देखिए बड़ा बड़ा का मात्रा चढ़ गया तो इसका मतलब है कि बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसका पहला उदाहरण यह है धर्मार्थ, यानी धर्म प्लस अर्थ छोटा छोटा मिलकर बड़ा हो गया। एक इसका उदाहरण देख लेते हैं, छोटा प्लस बड़ा मिलकर बड़ा बनता है, तो उसका है देवालय, क्या है देवालय। देवालय का मतलब होता है देव प्लस आलय, देव प्लस आलय देवालय। तो देखो यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो इसका मतलब इसको हम छोटा मानेंगे, और यहाँ पे मात्रा है तो ये बड़ा। तो देखिए छोटा बड़ा कंडीशन बनना है, छोटा
बड़ा बराबर बड़ा, तो बड़ा कैसे बना, क्योंकि आ वा पे यहां पे मात्रा चढ़ गया, बड़ा की मात्रा चढ़ गया तो देवालय बन गया। इसका एक उदाहरण देखते हैं, बड़ा आ प्लस छोटा बराबर बड़ा, तो इसका है जैसे परीक्षार्थी, 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 तो परीक्षार्थी का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो बनेगा परीक्षा प्लस अर्थी। तो परीक्षा प्लस अर्थी बराबर परीक्षार्थी। अब देखिए यहां पे, यहां पे बड़ा की मात्रा चढ़ा है तो ये बड़ा हो गया, और यहां पे छोटा लिखा है तो छोटा, तो बड़ा प्लस छोटा बराबर होता है बड़ा, तो बड़ा यहां पे नैनी का मतलब है कि यहां पे बड़ा की मात्रा चढ़ गया। ठीक है, तो ये हो गया परीक्षार्थी, किसका उदाहरण हो गया, बड़ा प्लस छोटा बराबर बड़ा। इसका उदाहरण देख लेते हैं, इसका है बड़ा प्लस बड़ा बराबर बड़ा, तो इसका उदाहरण है जैसे विद्यालय, विद्यालय, तो विद्यालय में इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्या प्लस आलय, क्या हो जाएगा, विद्या प्लस आलय यानी विद्यालय। तो यहां पे देखिए ये मात्रा चढ़ा है तो ये बड़ा आ हो जाएगा और ये भी हो जाएगा बड़ा आ, तो बड़ा आ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा की मात्रा लग गया, तो ये उसका उदाहरण हो गया। इसी तरीके से चार कंडीशन इसकी बनेंगे, तो चार इसका देख लेते हैं कौन कौन सा है। इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, तो आ धन आ प्लस आ और बड़ा आ, तो ये बड़ा आ बनता है। उसके बाद बताया था ई बड़ी ई प्लस ई बड़ी ई बराबर बड़ी ई, तीसरा ऊ बड़ाऊ प्लस ऊ बड़ाऊ बराबर बड़ाऊ होता है। तो ये तीन बताया था जिसमें पहले को एग्जाम्पल हो गए हैं, और अब ई वाला देखते हैं, ई वाले का ये इसका एग्जाम्पल हो चुका है, अब इसको देखते हैं। तो इसमें जो है पहला कंडीशन बनेगा छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, ये कंडीशन बनेगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं, तो इसका उदाहरण है कवींद्र, कवींद्र, तो कवींद्र को का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, कवींद्र। अब देखो यहां पे छोटी की मात्रा चढ़ी है यानी छोटी ही है, और यहां पे छोटी ही लगा हुआ है, तो छोटी छोटी मिलकर बड़ी बन गया, तो ये इसका एग्जाम्पल है। इसी तरीके से दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, जैसे इसका एग्जाम्पल मान लेते हैं परीक्षा, परीक्षा, तो क्या हो जाएगा, परी प्लस इच्छा, परी प्लस इच्छा, तो परी मतलब यहां पे छोटी की मात्रा चढ़ा हुआ है और ये बड़ी ई है, तो परी प्लस इच्छा यानी छोटी प्लस बड़ी ई, तो बनेगा क्या, बड़ी ई बनेगा, तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा। इसी तरीके से बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे योगींद्र, योगींद्र, ठीक है, तो योगींद्र में क्या हो जाएगा, देखो योगी प्लस इंद्र, योगी प्लस इंद्र योगींद्र हो जाएगा,
यानी यहां पे बड़ी की मात्रा चढ़ी है तो बड़ी ई हो जाएगा और प्लस ये छोटी ई लिखा है तो बड़ी ई प्लस छोटी ई हो जाएगा बड़ी ई, तो ये हो जाएगा योगेंद्र। उसके बाद देखते हैं एक और बनेगा इसका केस, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, जैसे रजनीश, रजनीश, तो रजनीश में क्या हो जाएगा, रजनी प्लस ईश, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, बड़ी ई है और यहां पर भी बड़ी ई है, तो बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलके बड़ी ई बनता है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा रजनीश। ये केस हो गया। अब देखते हैं चौथा ऊ वाले केस। तो ऊ में पहला कंडीशन क्या बनेगा, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, जैसे भानु प्लस उदय, भानुदय, भानुदय, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भानु प्लस उदय, यानी यहां पे छोटा ऊ की मात्रा है यानी छोटा ऊ हो गया और यहां पर छोटा ऊ हो गया, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बनता है बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ का मतलब है कि यहां पे बड़ा ऊ की मात्रा चढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा भानुदय। उसके बाद दूसरा कंडीशन बनेगा छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके क्या बनेगा, बड़ा ऊ, तो उसका एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, धातुष्मा, धातुष्मा, धातुष्मा का अगर संधि विच्छेद करेंगे हो जाएगा धातु प्लस ऊष्मा, धातु प्लस ऊष्मा, धातुष्मा, ये छोटा ऊ है, सॉरी ये छोटा ऊ है और ये बड़ा ऊ है, तो छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनता है, तो यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो ये कंडीशन हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ, जैसे जैसे वधूपकार, वधूपकार, तो क्या हो जाएगा, वधु प्लस उपकार, वधु प्लस उपकार, वधु का वधु, वधूपकार हो जाएगा। इसमें यहां पे देखिए बड़ा ऊ दिया है जो पहला कंडीशन दिया हुआ है, उसके बाद छोटा ऊ इसमें दिया है, तो बनेगा क्या, बड़ा ऊ जो यहां पे दिया हुआ है। उसके बाद लास्ट है बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ इक्वल्स टू बड़ा ऊ, तो ये एग्जांपल हो जाएगा। इसका अगर एग्जांपल लेते हैं तो हो जाएगा जैसे सरयूर्मी, सरयूर्मी, तो इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सरयू प्लस उर्मी, सरयू प्लस उर्मी, सरयूर्मी होता है, तो इसका इसमें क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ बड़ाऊ की मात्रा चढ़ी हुई है तो बड़ाऊ हो जाएगा और यहाँ पे पहले से बड़ाऊ लिखा हुआ है तो दोनों मिलकर बड़ाऊ हो गया, तो ये हो गया जो है सरयूर्मी। तो ये जो है ये दीर्घ संधि के उदाहरण है, इसमें काफ़ी उदाहरण है और इससे काफ़ी आता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि।